अच्छा जी गाइज, आज हम आए हैं दोबारा से चेज़अप की लगातार वीडियोस बन रही है और आरजे साइमा ठीक हो गया जी। बस ये है कि अब इन्जॉय करते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। एक पैकिंग की भी वीडियो बनाई थी, रैंडम बैठे हुए थे तो हमने सोचा एक पैकिंग की भी वीडियो बनाई जाए, जो कि मैंने अपनी भांजी की पैकिंग की थी वो तो रैंडम थी, लेकिन अभी तक चल रही है हमारी पैकिंग। यार प्रो मैक्स ये सैंडल है जो मेरी भांजी का जिद है अभी तक। वाओ यार, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट यार, कितने मज़े के कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे बच्चों के। ओ ये तो स्कर्ट तो देखो यार, लाजवाब स्कर्ट है, इतनी इसमें जैसा कोई परी लगेगी, परी बाकायदे। तो ले यार देख लो आप लोग भी, जो आपको समझ आए ठीक हो गया। बहुत मज़े की कलेक्शन पड़ी हुई है, चेज़ यार लेवल है। अच्छा जो ये सूट आप देख रहे हैं ना, ये हम लेने के लिए आए थे ठीक है, अपनी भांजी के लिए, लेकिन आज हम दूसरी बार आए हैं क्योंकि ये ड्रेस जो ये मैं अभी निकाल रही हूँ ब्लू, तो ये मुझे जो है ना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, इसका कलर मुझे बहुत मज़े का कलर लग रहा था। अच्छा इस बार जो है ना कपड़ों की वैरायटी चेज़अप पे लाजवाब पड़ी हुई है, यहाँ तक कि बच्चों की तो आउट क्लास पड़ी हुई है, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन पड़ी हुई है बच्चों की। ये जो कुर्ती देख रहे हो आप लोग ठीक है, इसकी तो बड़ी बड़ी कहानी है। ये जो हमने पसंद की थी तो मैंने एक भांजी के लिए पसंद की थी, लेकिन मेरी दूसरी भांजी ने ये वाली कुर्ती ले ली और उसने नहीं ली। अच्छा जी अब आ गए हम ट्राउज़र के ऊपर, देख लें आप। ये जो सूट है मैंने देखे तो कलर मुझे लाजवाब लगे थे, मतलब हल्के हल्के से कलर, लेकिन मज़ा नहीं आया, एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं थी इसकी। अच्छा जी ये ब्लैक जो कुर्ती आप देख रहे हैं ये भी लाजवाब है, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन ये था कि मैंने कपड़े ले लिए। ऐसे क्यों होता है यार, जब कपड़े बंदा ले लेता है उसके बाद ही अच्छी चीज़ आ जाती है। खैर मैंने भी जो लिए हैं तो वो भी कम नहीं है, लेकिन बस शुक्र अदा करती हूँ जो भी है, बिस्मिल्लाह। चलें जी गाइस, मैं भी इंजॉय करती हूँ और मैं भी कपड़े देखती हूँ, तब तक के लिए आप भी मेरे साथ इंजॉय करें वीडियो को ठीक हो गया। आप लोग भी शॉपिंग करें, पसंद करें इनमें से, हो सकता है आपको भी कोई चीज़ समझ आ जाए ठीक है। और पिछली बार यहाँ पे ना एक मैंने सूट छोड़ के गई थी, वही डॉक्टर कुलसुम की वजह से, जो ना ये जो डॉक्टर कुलसुम है ना ये मेरी भांजी है माशाल्लाह से, और ये है कि वो ढीठ है। तो कहने का मकसद ये, मतलब उसे पता नहीं क्या समझ आता है, ये क्या पसंद करती है समझ ही नहीं आती इसकी कोई ना चीज़। अब ये वीडियो देखेगी तो वो बोलेगी खाला क्या यार, मतलब वीडियो में भी आप लोग मेरी बात कर रहे हो, लेकिन मतलब अजीब इसकी पसंद है, समझ ही नहीं आती। लेकिन कसम से मैंने जो वो सूट देखा था ना, वो सूट इतना कोई हसीन व जमील लगता ना, ये डॉक्टर को ना क्या ये बात है सूट की। लेकिन अभी मैं ढूंढ ही रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वो सूट नहीं मिला, अल्लाह करे कि मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई वो सूट मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा गाइज अगर प्राइजेस की बात करें तो चेज़अप में तो धूम मची होती है कलेक्शन की, तो लाजवाब उनके कलेक्शन होती है तो लाजवाब उनके प्राइस भी होता है। खैर देखते हैं, ढूंढते हैं, मिल ही जाए अल्लाह करे। लेकिन ये जो आप येलो कुर्ती देख रहे हैं ना, ये तो हमने ले ही ली। खैर यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी पड़ी हुई है, लेकिन ये है कि ये ब्लैक मतलब नहीं कॉलर थी ना, तो ये मुझे समझ नहीं आई, जो गर्मियों में कॉलर बहुत अजीब लगती है यार, बहुत अजीब सी मतलब लुक आती है इसमें, गर्मी भी लगती है तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमें। और इतनी कोई इंतहा की रश थी गाइज, इतनी कोई इंतहा की रश थी ये वाले चेज़अप में, पता नहीं क्यों इस चेज़अप में बहुत सारी रश होती है। अच्छा अब हम चलते हैं अपनी बैग्स की तरफ, तो बैग्स में ये मुझे बैग बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके अलावा एक स्किन मैंने बैग लिया था वो भी लाजवाब था, तो वो ये है जी। ये मैंने पहले उठाया था लेकिन मैंने सोचा आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, तो ये बैग मुझे बहुत पसंद आया था। यही बैग बोला था कि ये डॉक्टर कुलसुम को कि प्लीज़ आप ये वाला बैग ले लें, इन्होंने बोला नहीं ये है ये फला है मसला है फला फला फला, पता नहीं कितने इशू निकाल देती है, पता नहीं क्यों निकाल दी, ये भी समझ नहीं आती। लाजवाब बैग्स की तो बड़ी लाजवाब कलेक्शन बड़ी हुई थी, और मैं कुछ भी हो जाए पर मैं बैग्स को नहीं छोड़ सकती, बैग जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब है। ये वाला भी बैग दिखाया, वीडियो कॉल पे दिखाया, पिक्चर्स दिखाई, मिनी वीडियोस बना के भेजी, लेकिन वही बात इसे फिर भी वही समझ नहीं आया। ये मस्टर्ड वाला भी मैंने दिखाया था उसे, लेकिन ना कोई समझ नहीं आना। और इनके प्राइजेस की अगर बात करें ना यार, प्राइजेस लेने वाली चीज़ थी, लेने वाली चीज़ बिल्कुल, जो चीज़ आप देख रहे हो ना आप ये ले भी सकते हो, इतनी कोई प्राइज इनके ज़बरदस्त है ठीक है। ज़ाहिर है ईद की वजह से न्यू कलेक्शन आनी थी और न्यू क्या कहते हैं प्राइस भी आने थे, तो
खैर मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन स्टूडेंट को पसंद नहीं आया। ओ सॉरी, आई मीन डॉक्टर कुलसुम को। लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये साथ जो मेरी भांजी घूर रही है ना, ये भी यही बोल रही थी, काला लाजवाब बैग है, ये क्यों ऐसे कर रही है। अच्छा पर इसके ऊपर आते हैं, ये जो मैंने उठाया ना बैग, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन वही बात, नहीं खाला ये बैग जो है मेरी फलां दोस्त के पास है, फलां कॉलेज में ये लेकर आती है लड़की, ये मुझे बैग नहीं चाहिए। जबकि इसके भाई को ख़ुद को भी बहुत पसंद आया था ये बैग, और इसने पकड़ा भी हुआ, ये बार बार देख रहा था, सारी इसकी क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें चेक कर रहा है। लेकिन ये है कि बस इसे कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या है, क्या सोचती है ये। खैर अभी ये जो शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारी शॉपिंग इसी बंदी की है, ठीक है, कि कोई चीज़ समझ आ जाए, कोई चीज़ मिल जाए, कोई मतलब पसंद है पसंद आ जाए उसको। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दोबारा से मैंने बैग उठाया, ग्रे कलर का बैग है, और अब भांजी को और भांजी को भी दिखाया, लेकिन वो उनको तो बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन वही बात, वो अभी भी वही उसी बैग के ऊपर अटके हुए हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि वीडियोज़ बनाई दी हमने, पिक्चर्स बनाई, बहुत कुछ किया, लेकिन इसकी समझ में नहीं आती। बात ये बोलती है जो मैं करती हूँ ना वही बेस्ट होता है, तो मैं दोबारा से वही बैग लेकर दोबारा उसी जगह पर हाजिर हो चुकी हूँ जहाँ से मैंने उठाया था ये बैग। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, नहीं समझ आई उसे ये चीज़, इतनी कोई वैरायटी पड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी ना 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 बस यही जवाब आ रहा था, इतनी कोई छोड़ आ जाती है ना। खैर आगे देखते हैं होता है क्या। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, रुको जरा, सब्र करो, कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे जो कलेक्शन पड़ी हुई है वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं, लाजवाब कलेक्शन, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन, ज़बरदस्त कलेक्शन। इतनी कोई मुझे ये सूट पसंद आए ना, ये बिल्कुल वही वाले सूट हैं जो तंजीब महल के पास थे, ठीक है, सेम वही सूट है। लेकिन क्या है कि वही सूट आपको तंजीब महल की तरफ से बहुत मुनासिब रेट में मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हाई लेवल के इनके रेट होते हैं। अब इनके अगर मैं रेट की बात करूँ तो ये जी सूट थे 6,000, 7,000, 8,000, यहाँ से इनके प्राइजेस शुरू थे, ठीक है। ये जो स्किन देख रहे हैं ना आप, ये भी मुझे लाजवाब लग रहा था, ये ब्लैक और स्किन मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये था कि बस रेट की बात है। और यही सेम चीज़ जो है ना आपको तंजीब महल में भी मिल जाएगी इजीली, कि उनके रेट है और क्या उनकी वैरायटी है यार, दिल खुश होने वाली वैरायटी है, ज़बरदस्त ये। अच्छा जी, मैं जो बात है साफ सीधी बताती हूँ कि ये जो मैंने तंजीब महल जो है ना पहली बार विज़िट किया है, और कसम खुदा की दिल में लग गई है ये तंजीब महल की शॉप, मुझे इतनी दिल में लगी है, मैंने अब जब भी शॉपिंग करनी है ना इन्हीं से करनी है। खैर ये जो आप सूट देख रहे हैं ये तो आई थिंक 8,000, 9,000 या ऐसे कुछ था, इनके सारे प्राइस जो है मेंशन, ये जी सूट देख रहे हो ना ब्राउन वाला, ये भी जो है ना 5,000 या 6,000 का था आई थिंक, हाँ 5,000 6,000। अब क्या है वही चिकनकारी फला फला। खैर बैक टू ज्वेलरी सेक्शन में जब हम आए तो यहाँ पे तो लाजवाब ज्वेलरी होती है, लाजवाब इनके रेट होते हैं। दो मैंने चेज़ अब विज़िट किए थे, आपने वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक लगा दूँगी, ठीक है जी, या हैंड स्क्रीन में लगा लूँगी। ये जो ज्वेलरी, इसमें जो आपको ज्वेलरी मिलेगी ना बहुत ही रिजनेबल और इंतहाई रिजनेबल प्राइस में आपको ज्वेलरी मिलेगी। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये मैंने लिया भी है, मुझे बहुत पसंद आया था। असल में मुझे लेना ब्लैक में ही था, लेकिन मुझे भांजी ने सजेस्ट किया कि आप खाला स्किन में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर यहाँ पर हेयरबैंड की भी बड़ी लाजवाब वेराइटी पड़ी हुई थी, लोग भी ले रहे थे अपने बच्चों के लिए, ख़रीदारी लाजवाब यहाँ से हुई है सबकी। और यहाँ तक कि इतनी मैं क्या बताऊँ यार, इतनी कोई रश थी ना, इतनी कोई रश थी मैं बता भी नहीं सकती। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना इंतहाई मुश्किल से बना रही हूँ, बड़ी मुश्किल देखी है मैंने, उसके बाद ये वीडियोस बनाई है, थोड़े बहुत क्लिप आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप जिन्होंने शॉपिंग नहीं की वो ज़रूर जाए जेसअप में और शॉपिंग करे धमाकेदार, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त सेल भी लगी हुई थी। यहाँ जी मेकअप के बारे में आते, अच्छा यहाँ पर भी बहुत सारी रश थी, बहुत ज़्यादा रश थी मेकअप के सेक्शन में, क्योंकि ज़ाहिर है लिप ग्लो वगैरह ये सारे ब्लश वगैरह सारी चीज़ें मेकअप की पड़ी हुई थी, और वो भी सेल के हिसाब से। तो खैर अच्छा जी, बैक टू ज्वेलरी। अब हम अच्छा, मैं जो ज्वेलरी में ज़्यादा चीज़ें इतना पसंद नहीं आती बस सिवाय एंकलेट के, मुझे एंकलेट बहुत पसंद है, एंकलेट और रिंग्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, जब बात आती है ज्वेलरी की तो मुझे तो कोई मज़ा नहीं आता शॉपिंग करने में। खैर अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पे जो चेज़ब के बाहर ही आपको ये सारे शॉप मिल जाते हैं,
ये जो बड़े बड़े ब्रांड है वहाँ से भी आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हो अलग से। ये भी मैं आपको शो करवा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। और ये चीज़ अब धूम मची हुई है, इसमें अंत की जो है ना रश है, अंत की रश। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और ज़रूर 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 बेल आइकन को प्रेस किया करें यार, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो फ़ौरन से आपको मिले और फ़ौरन से मुझे आपका कमेंट मिले। ठीक हो गया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।